महाराष्ट्र के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, नॉट ओनली डायनेमिक बट डूअर चीफ मिनिस्टर श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम लिखा था, हमारे कभी ही नहीं। मैं मानता हूं जिसे कि ऐसा नौजवान जो कि भारत में नौजवानों की दिल की धड़कन है, ऐसे हमारे कुमार विश्वास, श्री अमित उपाध्याय जी एडिटर इन चीफ द सीएसआर जर्नल, एंड श्री उदय माहुरकर जी फॉर्मल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीएसआर एक्सलेंस अवार्ड्स के सारे डिस्टिंग्विश्ड विनर्स, फिल्म्स स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री से आए सारे विशेषज्ञ, मीडिया के प्यारे मित्रों, देवियों व सज्जनों, सीएसआर जर्नल द्वारा आयोजित सीएसआर जनरल एक्सलेंस अवार्ड के इस एडिशन में आप सबके बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी है। कार्यक्रम का यह स्वरूप होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन आज जिन लोगों को अवार्ड मिला, सारे अवार्डी जितने हैं वो सभी समाज को किसी न किसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, इनमें सारे अवार्डीज को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। यह अवार्ड जिन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है, मैं उन इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूं, और मैं ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देता हूं जो आप सबने मुझे यहां पर अपने बीच आमंत्रित किया है। साथियों, मैंने अभी 10 दिन पहले सीएसआर से रिलेटेड एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की थी, और उस प्रोग्राम में मैंने अपने विचारों को रखते हुए कहा था, और मैंने मेंशन किया था उसमें कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर किसी प्रकार कॉरपोरेट के द्वारा लीगली मैंडेटेड टैक्स देने से बिल्कुल अलग है। आप लोग पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं, कॉरपोरेट टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, अपने वर्कर्स को आप सैलरी देते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड देते हैं, साथ ही साथ आप देश की इकोनॉमी को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जब आप सभी अपनी सारी लीगल रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल करते ही हैं, तो फिर आखिर अलग से सिटीजन और कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की क्या जरूरत पड़ी। साथियों, ये हमारे राष्ट्र और समाज का सौभाग्य है जिसे आप सब जैसे सोशली कॉन्शस कॉर्पोरेट्स और सिटीजन्स मिले हैं, और समाज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, जब हम सरकार को टैक्स देते ही हैं, जब हम एक सिटीजन के तौर पर कानून का पालन करते ही हैं, तो अलग से किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या जरूरत है। मैं उन लोगों को अपनी तरफ से बतलाना चाहता हूँ कि जब आप एक कानून के तहत 100 रुपया टैक्स देते हैं, जो जनता और समाज आपसे शायद उतना जुड़ा हुआ महसूस न करे, लेकिन अगर आप किसी भी लीगल लायबिलिटी से ऊपर उठकर वॉलंटरली समाज के वेलफेयर के लिए 5 रुपये भी देते हैं, तो वह जो लाभ प्राप्त करने वाला होता है, बेनिफिशियरी होता है, वह आपसे स्वाभाविक रूप से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। भारत तो ऐसे लोगों की भूमि रहा है जिनका पूरा जीवन ही समाज को डेडिकेटेड रहा है। महाभारत की कर्ण का जिक्र आता है, जिनकी जनरोसिटी आज तक हमें हम सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करती है। मेडिवल एरा में यदि आप देखें, तो पाएंगे कि भामाशाह ने किस प्रकार से स्वराज की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप की मदद की थी। ठीक उसी प्रकार जब हम भारत की मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से जमनलाल बजाज और घनश्याम दास बिरला जैसे भारत के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। वर्तमान समय में हम अपने आसपास देख सकते हैं कि किस प्रकार अजीम प्रेम जी और शिव नाडार जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कानूनी दायरे से कहीं ऊपर उठकर अपनी संपत्ति का अच्छा खासा हिस्सा समाज के अपलिफ्टमेंट में वो लगा रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथियों,
सिर्फ हेल्थ वेल्थ की ही बात नहीं है, जिनके पास वेल्थ नहीं है वह भी स्वयं को समाज के अपलिफ्टमेंट में लगा रहे हैं। हमारे पास महाराजा शिवी का उदाहरण है, किस प्रकार वो अपनी शरण में आए हुए एक कबूतर की जिंदगी को बचाने के लिए शरीर के मांस का टुकड़ा देने में रंच मात्र उन्होंने संकोच नहीं किया था। हमारे पास महर्षि दधीची का उदाहरण है, जिन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए, बुराई के एलिमिनेशन के लिए अपनी हड्डियां उन्होंने दान में दे दी। पास से लेकर प्रेजेंट तक एक लंबी परंपरा चली आ रही है, जहां जो कैपेबल लोग हैं वह समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयासरत हैं। साथियों, हम सब सोशल बीइंग, एक सामाजिक प्राणी है, और हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना घटित होती है जहाँ उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो हमें कोई कानून नहीं कहता कि हम उसकी हेल्प करें, हम वॉलंटरली उनकी हेल्प करते हैं। साथियों, सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि स्ट्रेंजर्स यानी कोई अजनबी के साथ भी हमारा आत्मीयता, हमारी आत्मीयता जुड़ी होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है, तो हमें कोई भी कानून हमें यह बाध्य नहीं करता है कि हम उसकी मदद करें और उसे अस्पताल में पहुंचाएं। यह तो हमारी ह्यूमैनिटी है, और उस अजनबी के प्रति हमारी आत्मीयता का भाव है कि हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं और उसे अस्पताल तक पहुंचाते हैं। हमारी, आपकी, हम सबकी एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और भारत के ऋषियों और मनीषियों ने तो भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरती को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। धरा पर रहने वाले सारे लोग हम एक ही परिवार के सदस्य मानते हैं, ऐसी अवधारणा में हम सभी विश्वास करते हैं। और हमारे यहाँ तो ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। और इसी भाव से लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती माँ का पुत्र मानते हैं, इसलिए हमारे अंदर यह भाव रहता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किसी के लिए कुछ न कुछ करें। अब साथियों, प्रश्न यह है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अपने लीगल लाइबिलिटी से ऊपर उठकर समाज व देश के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट्स क्यों करे? आप में से कई लोग रूरल बैकग्राउंड से भी संबंध रखते होंगे। आपने देखा होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक जब गांव में शादियां होती थी तो वे शादियां कम्युनिटी इवेंट हुआ करती थी। कोई अपने घर से चारपाई लाता था, कोई अपने घर से फूड ग्रेन्स लाता था, कोई अपने घर से तेल लाता था, तरह तरह से जिस परिवार में शादी होती थी उस परिवार की वह मदद करते थे, और वह पूरे गांव की वह शादी समझी जाती थी, केवल एक परिवार की शादी वह नहीं रह जाती थी। बिना किसी लीगल लाइबिलिटी के सारे काम होते थे, क्योंकि उनके बीच एक भाईचारे, फ्रेटर्निटी का एक भाव था, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी थी। इस कारण लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो इस भाईचारे के भाव वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे एक प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल आर्गुमेंट मांगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माई मनी, माई टाइम, माई बेनिफिट, यदि मैं अपना पैसा या समय दूसरों को दे रहा हूं तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, इस नजरिए से देखते हैं। अगर स्वार्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जो कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बेनिफिट की दृष्टि से भी देखें तो आप देखिए कि मनुष्य के पास दो तरीके के समाज में रहने की पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह होती है कि आप एक ऐसे समाज में रह रहे हों जहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप यदि सड़क पर इंजर्ड भी पड़े हैं तो आपको कोई नहीं उठाने वाला, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक आप ऐसे ही सड़क पर इंजर्ड पड़े रहेंगे। अगर आप हॉस्पिटल गए और एक डॉक्टर की ड्यूटी आवर समाप्त हो चुकी है तो आपका इलाज भी नहीं करेगा, वो अगले दिन अपने ड्यूटी आवर पर ही आपका इलाज करेगा। अगर आप उस समाज में रहते हैं तो आपके बीमार होने पर आपका पड़ोसी भी आपके पास नहीं आएगा, आपके शिक्षक भी अपने पढ़ाने के समय के बाद
आपको किसी भी जरूरत के लिए आपके पास नहीं समय देंगे। वैसे समाज में किसी सैनिक को वेतन के अलावा भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। यहाँ जो सक्षम लोग हैं वह एनवायरनमेंट की चिंता किए बिना 10-15 गाड़ियाँ खरीद करेंगे, उनके परिवार के 10-15 सदस्य एनवायरनमेंट की चिंता किए बिना अलग अलग गाड़ियों से निकलेंगे, पॉल्यूशन और ज़्यादा होगा। तो साथियों, यदि आप ऐसे समाज में रहना चाहते हैं यहाँ पर लोगों में सामाजिक नैतिकता या सोशल मॉरलिटी न हो, यहाँ लोग सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन के तहत काम करें, तो क्या ऐसा समाज रहने लायक होगा? तो जो लोग हर चीज को प्रैक्टिकल और जो नैरो सेल्फिश बेनिफिट की दृष्टि से देखते हैं, वह एक बार सोच कर देखें कि यदि उन्हें ऐसे समाज में रहने का मौका मिला तो क्या वह ऐसे समाज में रहना उन्हें मंजूर है। और दूसरी तरफ ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ पर हर कोई यथासंभव एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार है, जहाँ सोशल ट्रस्ट हाई है और एक शेयर्ड सेंस ऑफ कम्युनिटी है, जहाँ पड़ोसी, डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से कहीं अधिक आगे जाकर आपकी मदद करता है। साथियों, डेफिनेटली ऐसे समाज में रहना हर कोई पसंद करेगा। जब समाज की बात चल रही है तो मैं जॉन रॉल्स का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। आप लोग में बहुत सारे लोगों को ने पढ़ा होगा उन्हें, आप में से अधिकांश लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा। जॉन रॉल्स अमेरिका के प्रसिद्ध पॉलिटिकल फिलासफर थे। यह थियरी ऑफ जस्टिस नामक बुक में रॉल्स ने यह बताया है कि जब भी हम समाज की व्यवस्था को डिजाइन करते हैं तो जो भी व्यक्ति समाज की व्यवस्था को डिजाइन कर रहा है उस डिजाइनर को यह बात पता नहीं होनी चाहिए कि वह समाज में कौन सा स्थान प्राप्त करेगा। इसे मैं आसान शब्दों में आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए अगर कोई पुजारी है और उसे समाज की व्यवस्था को डिजाइन करने का मौका मिला, यानी उसे पता है कि समाज में उसका स्थान पुजारी का ही होगा, तो शायद वह एक ऐसा समाज डिजाइन करेगा जहाँ पुजारी की स्थिति अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर होगी। यदि कोई योद्धा है तो उसे समाज को डिजाइन करते समय यह पता है कि समाज में उसका स्थान योद्धा का होगा, तो शायद वह ऐसा समाज डिजाइन करेगा जहाँ योद्धा की स्थिति ज़्यादा अच्छी हो। कोई व्यापारी है तो वह भी अपने को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के समाज को डिजाइन करने की अपनी तरफ से कोशिश करेगा। इसीलिए जॉन रॉल्स कहते हैं कि यदि समाज को अच्छे तरीके से डिजाइन करना है तो डिजाइनर को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि समाज में उसका क्या स्थान होगा। जॉन रॉल्स ने इसे व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहा था, अर्थात सामाजिक व्यवस्था के निर्माण करने वाले व्यक्ति के पास उसकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस के प्रति एक पर्दा लगा होना चाहिए, यानी उसे यह नहीं मालूम होना चाहिए कि ऐसे समाज में उसका क्या स्थान होगा। जब समाज निर्माण के लिए साथियों ऐसी व्यवस्था होगी तो सोशल प्लानर समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के हितों को कभी भी पूर्णतया नज़रअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सोशल प्लानर खुद समाज के कमजोर वर्ग के हिस्से के रूप में सामने आ जाए। साथियों, रॉल्स का यही सिद्धांत सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन किसी न किसी रूप में हमें महात्मा गांधी के अंत्योदय के विचार में भी दिखता है। यहाँ उन्हें समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट के बारे में यहाँ उन्होंने बात की है। ध्यान रहे, हम में से कोई भी किसी समय पर समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति हो सकता है, इस जीवन के यथार्थ को हमको नहीं भूलना चाहिए। अब मान लीजिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं, यदि दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में सड़क के किनारे घायल पड़ा है तो उस समय समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति यदि कोई है, चाहे कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों न हो, यदि सड़क के किनारे वह घायल पड़ा है तो मैं समझता हूँ समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति वही है। यह कोई मायने नहीं रखता कि उस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, वह किस पद पर है। उस समय यही मायने रखता है कि उस व्यक्ति को विद इन एन आवर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसके प्राण जा सकते हैं। उस समय ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे पैसे, पद और शक्ति के मामले में बहुत कम हो
लेकिन वह आपकी मदद करके आपका जीवन बचा ले। इसलिए साथियों, यदि रॉल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत, सोशल जस्टिस के सिद्धांत पर हम बात करेंगे, तो हम निश्चित रूप से एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहेंगे जहाँ पर सोशल हार्मनी हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ के लोगों में फ्रेटर्निटी का भाव हो। साथियों, यही भाईचारे का भाव जब ऊपर से रिस्क कर नीचे पहुँचता है, यह बहुत ही अद्भुत लगता है। जैसे जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति समाज के कमजोर व्यक्ति की मदद करता है, तो मानवता पर विश्वास स्वाभाविक रूप से और अधिक बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे आप लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कुछ बताने की जरूरत थी। आप लोग बहुत पहले से समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, अपने लीगल ऑब्लिगेशन से भी ऊपर उठकर समाज के लिए कंट्रीब्यूशन आप देते आ रहे हैं। और साथियों, यहाँ अब कुछ बातें विशेष रूप से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के ऊपर भी मैं करना चाहूँगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने साइकिल रिपेयरिंग का एक छोटा सा बिजनेस खोल रखा है। अब जब उसका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, तो अपनी दुकान को बढ़ाता गया, दो दुकान, तीन दुकान, 10-15-100, और बाद में उसने एक पूरी रिपेयरिंग की एक चेन ही शुरू कर दी और उसका टर्नओवर लगभग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ तक पहुंच गया। अब यदि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति में से 10 या 15 करोड़ वह समाज को देना चाहता हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए यदि वह देना चाहता हो, लेबर वेलफेयर के लिए यदि वह देना चाहता हो, कैंसर रिसर्च में लगाना चाहता हो, देश के शहीदों की परिवारों की मदद करना चाहता हो, यह सब काम वह कैसे करेगा? एक तरीका तो यह है कि वह व्यक्ति खुद ही बैठकर CSR के सारे क्लाजेस को पढ़े, लोगों से मिले, लोगों से बात करे, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं, तो आपका एक एक मिनट कितना कीमती होता है। आपके पास यह सब सारी चीज़ें करने का समय भी नहीं होता है। इसलिए निश्चित रूप से हमें ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसे पब्लिकेशन चाहिए जो इस तरह की जानकारी को पब्लिक के सामने लाए कि किस प्रकार के इंटरवेंशन से समाज का फायदा हो रहा है तथा किस प्रकार के इंटरवेंशन से समाज को कोई लाभ नहीं हो रहा है, और जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग किस प्रकार से यूज हो रही है। इस तरह की कंप्लाइड इंफॉर्मेशन हमें लगातार अपडेटेड रूप में मिलती रहनी चाहिए। ऐसे में भूमिका आती है CSR जर्नल की, जो यह प्लेटफॉर्म द CSR जर्नल प्रदान करता है, जो ऐसे अनेक लोगों को इंस्पिरेशन या इंफॉर्मेशन देता है यह CSR जर्नल, ताकि वह आगे आए और समाज के उत्थान के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। साथियों, 2014 की कुछ घटनाएं मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। उसी पर हमारी सरकार आई थी पूरे देश में। उस समय आपने देखा होगा एक नया जोश था, एक विश्वास था, और उसी विश्वास और जोश के साथ 2014 में CSR जर्नल की भी शुरुआत हुई थी, यह जानकारी मुझे दी गई। और अपनी स्थापना के समय से ही यदि CSR जर्नल ने सूचना के माध्यम के रूप में काम किया है, और सूचना के केंद्र के साथ साथ जिस प्रकार से एक प्रेरक तत्व के रूप में, एक इंस्पिरेशनल सोर्स के रूप में CSR जर्नल ने काम किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं इस जर्नल के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सारे लोगों को अपनी तरफ से मैं बधाई देता हूं। और साथियों, अब जब सोशली कॉन्शियस सिटीजन एवं कॉरपोरेट के माध्यम से समाज को इतना योगदान मिल रहा है, तो यह समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि योगदान देने वाले लोगों को रिकॉग्नाइज करें, योगदान देने वालों को सम्मान दें। हालांकि जो लोग समाज के प्रति यह कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वह ऑलरेडी अपने फील्ड के बहुत सफल लोग हैं और उन्होंने एक मुकाम भी अपने जिंदगी में हासिल किया है, लेकिन फिर भी उन्हें रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सामाजिकता की उस भावना को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उन संभावनाओं को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया है, और इसके लिए CSR जर्नल यह बधाई का पात्र है। साथियों, CSR जर्नल
पब्लिकेशन अपने क्षेत्र के सबसे प्राइम पब्लिकेशंस में से एक है, और हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा काम भी यह जर्नल कर रहा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस सीएसआर जर्नल्स के लिए मैं देना चाहता हूँ। पहला सुझाव हमारा यहाँ पर यह है कि प्रेजेंट सिटीजन्स जो कि प्रेजेंट यहाँ पर सिटीजन्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके लिए चाहे सरकार हो या आप सब, हमारा मूल उद्देश्य एक बेहतर समाज की स्थापना है। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरवेंशंस और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की सिनर्जी का लाभ उठाने के लिए कन्वर्जेंस पर ध्यान दिया जाए। द सीएसआर जर्नल इस पर फोकस कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा सुझाव है कि आप सभी जो सामाजिक कार्य करने वाले या फिर सीएसआर जर्नल पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी को समझने वाले लोग हैं, बिगेस्ट बैंग फॉर द बक, इसे आप सब खूब अच्छी तरह समझते हैं, यही सिद्धांत हमें परमार्थ में भी अपनाना होगा। अर्थात हम यदि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सीएसआर कर रहे हैं, अर्थात हम यदि कॉरपोरेट सेक्टर के लोग सीएसआर कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम अपनी कंपनी के लिए इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरवेंशंस की इफिशियंसी पर भी ध्यान देना होगा। सीएसआर जर्नल पोस्ट इंटरवेंशन आउटकम ऑडिट पर और ध्यान देकर इसमें अपना योगदान दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा ग्लोबल सिनेरियो क्या है, इस पर भी आप विचार करें, यह मेरा आपसे आग्रह है। हालांकि आपका ध्यान भारतीय सीएसआर सिनेरियो पर केंद्रित रहेगा, लेकिन ग्लोबली यदि कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो उसे भी आप सभी स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच न करें, यह मेरा आग्रह है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे इन सुझावों पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन यदि काम कर भी रहे हैं तो इन पर और अधिक ध्यान दें, ऐसा मेरा आग्रह है। साथियों, अंत में एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि समाज को डिवाइड करने वाले कुछ लोग होते हैं, उनका काम ही होता है वह समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध संघर्ष के रास्ते पर वह ले जाए, उनकी यह कोशिश रहती है। क्लास स्ट्रगल उनके शब्दकोश में बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार कॉरपोरेट क्लास को लेबर क्लास से अलग करके दिखाया जाता है, कई बार किसानों को व्यापारियों को अलग करके दिखाया जाता है। ऐसी आइडियोलॉजी समाज में एक इनहेरेंट क्लास कंट्राडिक्शन खोजती रहती है, और हमें ऐसे डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि साथियों समाज अपने आप में एक प्राणी है, समाज अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है, जीवंत इकाई है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अलग तरह की हो सकती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर के ऑर्गन्स के बीच कोई कंट्राडिक्शन है, कोई विरोधाभास है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग क्लास के लोग होते हैं, जिनके अलग अलग काम भी होते हैं, परंतु सभी लोगों और वर्गों के एक्शंस एंड इंटरेस्ट के समन्वय से ही समाज बनता है, इसलिए इन्हें विरोधाभास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह मेरी मान्यता है। और जो व्यक्ति या संस्था जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, यथासंभव समाज के उत्थान में वह जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है उसे देना चाहिए। और साथियों, हमारे इस कन्विक्शन का सबसे ज्वलंत उदाहरण जो दिखता है वह आपकी सिटीजन एवं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखता है। इसलिए जिस तरीके से आप समाज के निर्माण और उसके अपलिफ्टमेंट में आप सब लगे हुए हैं, उसके लिए मैं केवल आपकी प्रशंसा ही नहीं करता हूं, बल्कि आपकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुमार विश्वास ने बोलते समय एक आध्यात्मिक भारत की बात कही है, मैं इस विषय पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आध्यात्मिक कौन होता है? छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक होगा तो बराबर बड़े मन का व्यक्ति ही आध्यात्मिक होगा। जो देता है वही आध्यात्मिक है, लेने वाले के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह आध्यात्मिक है।
बड़े मन का ही व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। आप में से सारे लोगों ने कम से कम हाई स्कूल तक तो मैथमेटिक्स पढ़ी ही होगी। मेरा यह मानना है कि जिसका मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा उतने ही अधिक वह जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाएगा। तो जो कार्य आप ये कर रहे हैं आध्यात्मिक है, यदि मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बीच में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज सर्किल। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मन कभी सर्किल हो नहीं सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज सर्किल। मन इस सर्किल को जितना ही बड़ा करते चले जाओगे इन द सेम रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद बढ़ता चला जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। और यह बात मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखी कि आप लोग जो कर रहे हैं कोई सामान्य काम नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं बहुत बड़ा काम है। इसके लिए एक बार मैं फिर से आप सबकी प्रशंसा करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए यही अपना निवेदन समाप्त। रक्षा मंत्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। इससे पहले कि हम शपथ लें जो एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है इस रात का, वी आर अबाउट टू टेक एन ओथ लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी क्विकली कॉल ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट हर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट्स दैट यू सीन टुडे। थैंक क्वींस आर्टे, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज टू बी फेलिसिटेटेड बाय आवर डिग्निटरीज। लेडीज एंड जेंटलमैन,